आज के वीडियो में हम किसी टेबल या टेबल की रोज या कॉलम का साइज बदलने के लिए दो तरीके सीखने वाले हैं। तो टेबल में किसी कॉलम या रो का साइज बदलने के लिए हमारे पास पहला तरीका है लेआउट टैब में हाइट और विड्थ। जिस कॉलम का साइज में चेंज करना चाह रहा हूँ उस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। अगर एक से ज़्यादा कॉलम में चाह रहे हैं तो एक से ज़्यादा कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए और विड्थ, तो विड्थ में अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करेंगे तो कॉलम का साइज़ हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे अप एरो का यूज़ किया तो देखिए कॉलम का साइज़ बढ़ता जा रहा है, और डाउन एरो का यूज़ करूँगा तो कॉलम का साइज़ घटता जाएगा। ठीक है, ये तो कॉलम जितने हमने सेलेक्ट किए हैं उन कॉलम का साइज़ हम बड़ा छोटा कर रहे हैं। ऐसे ही रो का साइज़ बड़ा या छोटा करना हो तो जिन रो को चाह रहे हैं उन रोज़ को हमने सेलेक्ट किया, और हाइट, हाइट में या तो रो का साइज़ हम बड़ा करना चाहें कर सकते हैं और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रो और कॉलम का साइज़ बड़ा या छोटा करने का सबसे पहला तरीका तो ये हो गया लेआउट टैब में हाइट और विड्थ। हाइट से रो का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और विड्थ से कॉलम का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, हम कॉलम को सिलेक्ट करके ऊपर लेआउट टैब में जाएंगे, इतनी मेहनत हम क्यों करें? बजाय इतनी मेहनत करने के हमारे पास सीधा तरीका है। जिस कॉलम का साइज़ हम बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं उस कॉलम की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर हम माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो दो मुंह वाला एरो आपको बना हुआ दिखाई देगा, उस एरो से आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। तो कॉलम का साइज़ जितना भी हम बड़ा या छोटा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। मैंने स्टूडेंट नेम वाले कॉलम का साइज़ छोटा कर दिया। तो किसी भी कॉलम का साइज़ हम बड़ा या छोटा आसानी से कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें बार बार लेआउट टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम की तरह ही रो का साइज़ भी हम बड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे लास्ट वाली रो का साइज़ बड़ा कर दिया। जिस भी रो का साइज़ हम बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं उस रो के बॉर्डर को सिलेक्ट करके ड्रैग करके हम उसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम और रो दोनों का साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए दो तरीके हो गए। सबसे पहला तरीका, जिन कॉलम को हम चाह रहे हैं या रोज़ को चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करके लेआउट टैब में हाइट और विड्थ, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट हम किसी भी कॉलम या रो की बॉर्डर को पकड़ के ड्रैग करके साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉलम और रो का साइज़ बड़ा छोटा करने वाली बात हो गई। अब टेबल का साइज़ अगर बड़ा या छोटा करना हो, सबसे नीचे जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस पॉइंट पर हमें जाकर माउस का बटन दबा के ड्रैग करना है। तो टेबल का साइज़ जितना भी हम लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से टेबल का साइज़ बड़ा करना हो या छोटा करना हो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।